आज एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता होने जा रही है। इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को करने के लिए हमारे प्रदेश महामंत्री हर्ष मल्होत्रा जी यहाँ मौजूद हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राजन तिवारी जी, मीडिया रिलेशन सह प्रमुख विक्रम मित्तल जी। तो मैं हर्ष जी से कहूंगी कि वो अपनी बात को रखें आपके सामने। धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। आज जिस महत्वपूर्ण विषय पर आप सबके समक्ष बात रखने जा रहा हूं, हमारे साथ उस विषय पर प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई राजन तिवारी जी भी हैं, हमारे प्रवक्ता नेहा शालिनी दुआ जी, मीडिया रिलेशंस दिल्ली प्रदेश का काम देखते हैं भाई विक्रम जी, और पत्रकार साथियों, जिस विषय पर मैं अपनी बात रखने जा रहा हूं उससे संबंधित सबसे पहले चाहूंगा कि आप एक वीडियो देखें। वीडियो देखते उसके बाद मैं उसमें अपने कमेंट्स और अपनी बात आपके समक्ष रखूंगा। ये देखिए, ये पवाना विधानसभा का मतदाता केंद्र है और यहाँ पे आम आदमी पार्टी के विधायक हैं जो जयराम कुमार है। ये सरकारी जमीन कार्यालय है और इस पे इन्होंने अपना कार्यालय बना रखा है। पूरी सरकारी बिल्डिंग पर अपना बोर्ड लगा रखे हैं। दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार का भ्रष्टता, इसकी भ्रष्ट सरकार ने और इसके भ्रष्ट विधायक राघव चड्डा राजेंद्र नगर से जो विधायक है उन्होंने किस प्रकार सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके अपना निजी कार्यालय बनाया हुआ है। ये राजेंद्र नगर विधानसभा में इंद्रपुरी में इन्होंने अपना निजी दफ्तर बनाया हुआ है जिसको अपनी निजी चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, आम आदमी पार्टी का दिल्ली जल बोर्ड की जमीन पर अनधिकृत कार्यालय। चलो चलो, ये दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय पर कब्जा करके आम आदमी विधायक कुलदीप कुमार ने अपना कार्यालय बना रखा है। दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय छोटा सा कर दिया।
साथियों, आपने अभी एक छोटी सी फिल्म में देखा, वीडियो में, इनके लगभग सभी विधायक मेरे पास सूची है, मैं आपको अभी नाम पढ़ के दिखाऊंगा, सरकारी दफ्तरों में, सरकारी जमीन पर अपना अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कार्यालय चला रहे हैं। ये जैसा कि हमने पहले भी कहा है, कानून को ना मानने वाली सरकार है दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार। कानून को इस तरह से देखने वाली सरकार है कि ये उनके घर की कठपुतली है, अराजक सरकार है, अराजक नेता है और अराजक ही इनकी लीडरशिप है। यहां तक कि इनके डिप्टी सीएम साहब मनीष सिसोदिया जी, इनके मंत्री सत्येंद्र जैन जी और बाकी मंत्री भी सरकारी कार्यालयों में, सरकार की संपत्ति सरकार की होती है, सरकारी कार्यालयों में जहां बीएसईएस का दफ्तर चलता है, जहां पर जो डिप्टी सीएम साहब का कार्यालय बनाया वो बीएसईएस के दफ्तर में बनाया, सत्येंद्र जैन जी जहां पर, वो भी सरकारी जमीन है। ये सूची है मेरे पास, मैं आपको नाम पढ़ के बताऊंगा कि ये सब के सब इनके विधायक सरकारी जमीन को एनक्रोच करके अपना कार्यालय बनाकर विधायक का कार्यालय भी चलाते हैं, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी काम यहीं से करते हैं, अपनी पार्टी का कार्यालय भी यहीं से चलाते हैं। ये वो लोग हैं जो जिनके सबसे बड़े नेता, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, 26 जनवरी की परेड नहीं हो इस बात के खिलाफ वहां पर जाकर के रात को सो गए थे राजपथ पे। तो कानून को ना मानने वाले लोग हैं, ये दरअसल कब्जों की सरकार है, ये आम आदमी कहलाने वाले लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जो भूमाफिया बने हुए हैं, ये सामान्य आदमी नहीं है, ये भूमाफिया है। यहां तक कि केजरीवाल साहब ने भी कहा था कि मैं बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, अपने दो बड़ी सरकारी कोठियों में एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बनाया हुआ है, ये भी कब्जा है। अरे भैया, मुख्यमंत्री को के घर में स्विमिंग पूल होना चाहिए क्या? ये केवल और केवल इनकी मानसिकता दर्शाता है कि किसी कानून को नहीं मानते हैं, कानून को अपने घर की रखेल मानते हैं, कानून को अपनी कठपुतली मानते हैं, उसी आधार पर काम करते हैं। आज जो जल बोर्ड, जब ये 7 साल पहले आए थे तो जल बोर्ड 800-900 करोड़ रुपए फायदे में था, आज 65,000 करोड़ का घोटाला है उसमें, घाटे में जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि ये किसी कानून को नहीं मानते हैं, वहां पे भी इन्होंने इसी तरह के कब्जे कर रखे हैं, सरकारी काम होने की बजाय वहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ठिकाना बना हुआ है, आम आदमी पार्टी के विधायकों का, पार्षदों का ठिकाना बना हुआ है। मैं आपको कुछ नाम बताता हूं, कुछ नाम बता रहा हूं, इनके लगभग सभी विधायक और बहुत से पार्षद सरकारी जमीन पर अपना कार्यालय चला रहे हैं, सरकारी कार्यालयों में कार्यालय चला रहे हैं। मैंने बताया उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, पड़पड़गंज में जो उनका कैंप ऑफिस है वो बीएसईएस की जमीन पर है। राघव चड्ढा जी सरकारी जमीन पर कार्यालय बनाया हुआ है। सत्येंद्र जैन जी का मैंने आपको बताया कि उनका जो अपना सरस्वती बिहार का कार्यालय है वो भी सरकारी जमीन पर है। सोमदत्त छिब्बड़ पीडब्ल्यूडी की जमीन पर कार्यालय बनाया हुआ है। जरनैल सिंह जी का कार्यालय दिल्ली जल बोर्ड की जमीन पर बना हुआ है, उसी कार्यालय में बना हुआ है। यहां तक कि जो रोहित कुमार मेहरोलिया है उसने भी दिल्ली जल बोर्ड की जमीन पर अपना कार्यालय बना रखा है। जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं, चाहे वो कॉरपोरेशन के भी हों, इनके कॉरपोरेटर साहब हैं जिनका पार्षद कार्यालय राजीव यादव जी का वहां के निगम के कम्युनिटी सेंटर के अंदर चलता है, ये आपने अभी देखा होगा। अब प्रीति तोमर तो बहुत बड़ी विधायक है,
उनका भी कम्युनिटी सेंटर में विधायक कार्यालय चलता है। मुकेश गोयल जी का कार्यालय भी निगम कार्यालय जो है उनका वो एमसीडी की सरकारी कार्यालय के अंदर चलता है। मदनलाल जी का, राजेश ऋषि जी का, महेंद्र गोयल जी का या तो दिल्ली जल बोर्ड में है या फिर सरकारी जमीन में। आपने देखा होगा मैंने 15 नाम लिए हैं, ये 15 में से 8-10 नाम जल बोर्ड की जमीन पर, जल बोर्ड के कार्यालयों पर अपना विधायक का और जनता से मिलने का और अपने कार्यकर्ताओं को मिलने का और कार्यकर्ताओं के जमघट बनाने का जो कार्यालय बनाया हुआ है इन्होंने, सरकारी जमीन पर बनाया हुआ है, ये इनकी मानसिकता दर्शाता है। और ये जो अनर्गल आरोप, झूठे आरोप लगाते रहते हैं जिसके लिए हमने इनको नोटिस भी दिया है, उसका कोई जवाब नहीं दिया। मैंने ये सच्चाई, ये असलियत आप सबके माध्यम से दिल्ली की जनता के सामने रखी है। उनको, दिल्ली की जनता को ये तय करना पड़ेगा कि जो घोटालों की सरकार है, जो दिल्ली को शराब नगरी बनाने वाली सरकार है, जो सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वाली सरकार है, आगे आने वाले निगम चुनाव में ऐसे लोगों को किस तरह से नकारना है। और वो लोग जो जनता की सेवा कर रहे हैं इतनी आर्थिक तंगियों के बावजूद भी, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोबारा लाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।